Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ. जिस तरह आपने प्रीवियस क्लिप में देखा किस तरह अमेजिंग से स्टार्स बने हैं लाइट से, ये बुके बनाया है, इसी तरह मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप ख़ुद भी अपने DIY फ़िल्टर बना सकते हैं अपने घर पर, जो बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही सिंपल है. इसकी काफ़ी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको, पर मुझे ये तरीका सबसे बेस्ट लगा है. जो चीज़ें हैं आपको चाहिए होंगी, आपको एक लेंस चाहिए होगा जो लो अपर्चर का हो, एटलीस्ट 1.8 1.4 हो. 1.8 इज़ ओके, स्पेशली अगर आपके पास 50 mm है ये तो बेस्ट है. 85 है, 35 mm है, जो आपके फिक्स लेंसेज होते हैं उसे अमेजिंग सा बोके बन जाएगा. तो इस तरह आपने लेंस को रखे, कोई भी पेपर ले लें, कार्डबोर्ड ले लें, आपने कट कर देना है सर्कल बना के, क्योंकि ये सर्कल हमने लेंस की रिंग्स में फ़िक्स कर देना है, वो हिलेगा नहीं, ऊपर नीचे नहीं होगा. जैसे आपको नज़र आ है जो लेंस की रिंग्स हैं, रिंग इसके अंदर हमने फ़िक्स करना है. ये थोड़ा सा बड़ा था, फ़िक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलो साइड से काट लें. थोड़ा सा आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर फ़िक्स नहीं हो रहा था आप साइड से काट सकते हैं. इसके बाद जो है आपने अंदर से जो, क्योंकि मैं पंचिंग कार्ड यूज़ कर रही हूँ, अगर आपने कोई भी शेप बनानी है आप कुछ भी शेप बना सकते हैं. मेरे पास पंच कार्ड्स थे तो मैंने ये यूज़ किए, क्योंकि ये सेंटर में नहीं जाता, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है पंच होता है. तो इसीलिए मेरी भाभी ने मुझे ये आइडिया दिया कि आप इस तरह कर सकती हो, तो मैं उन्हीं के आइडिया को फॉलो कर रही हूँ. सेंटर में से आपने इसको सर्कल बना देना है, ताकि हमारा जो शेप है वो विजिबल हो जाए. तो कोई भी अगर आपके पास, अगर सर्कल में थोड़ा सा आपकी शेप विजिबल नहीं हो रही, तो आप उसको काटते हैं जैसे कि मैंने भी काटा, और इसको आपने सेंटर में टेप के साथ लगा देना है. जो एक्सेस पार्ट्स हैं वो काट लीजिए, और इसी तरह क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जो है इफ़ेक्ट्स देता है, आप इसे वीडियोस भी बना सकते हैं, पिक्चर्स भी बना सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको देखे पीछे जो स्टार्स हैं, वो मैंने जा रही थी दमाम जा रही थी, तो जाते हुए जब दमाम में एंटर हुई लाइट्स आई तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था. तो इसी तरह आप जो है टेप के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, और आप अपने लेंस पे फिक्स करके कैमरास पे आप अपर्चर जो है 1.8 रखे, अब बिल्कुल जूम करके. ऑटो मत करिएगा, क्योंकि फिर वो ऑटो जो है वो शेप नहीं बनेगी. मैनुअल करके लेंस को उसका बिल्कुल पूरा ब्लर करके आप इसको है यूज़ कर सकते हैं, या बीच में कोई सब्जेक्ट रखें और पीछे जो है वो ब्लर होगी. इसी तरह मैंने 50 mm को यूज़ किया, और अब जो बारी है 85 mm की फ़िल्टर बना रही हूँ. ये मैंने 85 का थोड़ा बड़ा साइज़ है, तो ये बड़ा सर्कल कटा है. और इसी तरह मैं जो प्रीवियस मैंने आपको जिस तरह बताया था, सेम मैंने वही अप्लाई किया है, और ये बहुत ही प्यारा लगता है. ये देखिए बिल्कुल फिक्स आ गया है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, गिर नहीं रहा. तो ये बहुत ही ईजी तरीका है. इसी तरह आप जो भी आप अपने हाथ से भी शेप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको ये पंच चाहिए होंगे, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं. जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, अगर आप आर्ट में अच्छे हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है. तो इसी तरह इसको मैंने काट के सेंटर में जो है वो कर दिया है, चिपका दिया है. ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं. बस याद रखिएगा, ताकि जो हमारी शेप है वो बिल्कुल विजिबल हो, सेंटर में हमें चाहिए, बिल्कुल सेंटर में चाहिए. इसीलिए मैंने काट के क्या, देखिए ये स्टार है, अब सेंटर बिल्कुल विजिबल है. इसके नीचे मेक श्योर कि कोई भी पेपर ना हो, ताकि इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, फिर वो बनेगा नहीं. तो आपके पास जो भी आप बिल्कुल बेसिक कैमरा, ये नहीं कि आप जो है आपके पास बहुत ही एक्सपेंसिव कैमरा हो, एक्सपेंसिव कैमरा के बगैर भी कोई भी आपके बेसिक कैमरा हो, बस इसके लिए ज़रूरी क्या है, लेंस. लेंस बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 1.8 होना चाहिए. 50 mm बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता लेंस है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. जस्ट इन केस अगर आपके पास 50 mm नहीं है, या 1.8 का कोई लेंस नहीं है, तो आप बिल्कुल बेसिक लेंस से भी यूज़ कर सकते हैं. उससे ये है, उसका ये प्रोसीजर है कि आप उसको बिल्कुल जूम करें, और ज़ूम करके आप उसकी लोवेस्ट अपर्चर जो होगा उसका वो रखें, और उसके बाद आप उसे कैप्चर करें. तो ये था DIY फ़िल्टर, आप ज़रूर बनाएं. और ये देखिए इनकी शेप्स किस तरह मैंने बना के, कुछ 85 mm से बनाई हैं और कुछ 50 mm से बनाई हैं. तो इस तरह आप भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत ही क्यूट लग रही हैं. आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ये फ़िल्टर आप फेरी लाइट के साथ भी अचीव कर सकते हैं, और स्ट्रीट लाइट या सिटी लाइट के साथ भी. जैसे कि मैं पार्क में गई थी, शाम का वक्त था, थोड़ा सा रोशनी थी,
और फिर ये जो मैंने फ़िल्टर लगा के किया लाइट्स का, कितना अच्छा रिफ्लेक्शन, देखें कितना प्यारा खूबसूरत आ रहा है। और अब तो ये फ़िल्टर हर टाइम मेरे साथ ही होता है, मेरे कैमरा पे लगा होता है। मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ रात को तो जहाँ भी मुझे लाइट्स नज़र आए तो मैं पिक्चर्स लेती रहती हूँ। मेरे पास बहुत पिक्चर्स एंड वीडियोज़ हो गई हैं। आप हार्ट शेप भी बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं आप, बस ये है कि आपको जो शेप है वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए और बाकी सब ब्लैक होना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाएं ये भी। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।